दोस्तों, अगर आपने ग्रैनी हॉरर स्टोरी पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ग्रैनी ने गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। ग्रैनी से परेशान होकर गुल्ली बुल्ली और शॉन ग्रैनी से लड़ने का फैसला करते हैं और अपना पॉटी बॉय शॉन गुल्ली और बुल्ली से हाई फ्लाई जंप लगाने को कहता है और गुल्ली और बुल्ली दोनों जंप लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पहले बुल्ली जंप लगाता है और फिर गुल्ली, लेकिन ये क्या, मार खाने के बाद भी ग्रैनी उठकर खड़ी हो जाती है और बुल्ली पे हमला करती है, लेकिन बुल्ली बच जाता है। और फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों मिलकर ग्रैनी को ज़ोरदार स्मैक लगाते हैं। स्मैक लगाते ही ग्रैनी का काम तमाम हो जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इन तीनों ने मिलकर ग्रैनी को उसके ठिकाने तक पहुँचा दिया है। लेकिन ग्रैनी अभी मरी नहीं है, वो कुछ ही देर में पेड़ से नीचे उतर जाती है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। ये तीनों इस बात को नहीं जानते कि ग्रैनी अभी ज़िंदा है। चलते चलते जब इनकी नज़र ग्रैनी पर पड़ती है तो ये तीनों हैरान और परेशान हो जाते हैं। जिन्हें वो मरा हुआ समझ रहे थे वो तो ज़िंदा है और वो इधर ही आ रही है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो ग्रैनी इन तीनों का कचूमर बना देगी। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों स्कूटर में बैठकर तेज़ी से वहाँ से निकलते हैं, लेकिन हड़बड़ी की वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते और स्कूटर लेकर गिर पड़ते हैं। और जैसे ही ये तीनों स्कूटर से गिरते हैं ग्रैनी इनके पास आ जाती है और सबसे पहला हमला वो स्कूटर पर करती है और उसे पानी में गिरा देती है ताकि ये तीनों यहाँ से भाग ना सकें। और दूसरा हमला वो गुल्ली पर करती है, उसे लात मारकर पानी में फेंक देती है। और फिर बढ़ती है गुल्ली की तरफ, लेकिन वो पहले ही पीछे हट जाता है और ग्रैनी उसे घूरती रहती है। शॉन गुल्ली से कहता है कि हमें सबसे पहले स्कूटर को डूबने से बचाना होगा, अगर स्कूटर डूब गया तो फिर हम लोग घर नहीं जा पाएंगे। गुल्ली शॉन से कहता है कि हमें कुछ देर पानी में ही रहना चाहिए जब तक ग्रैनी यहाँ से चली नहीं जाती, हम लोग पानी में ज़्यादा सेफ हैं। मुझे लगता है कि ग्रैनी को पानी से डर लगता है, तभी वो दूर से हम लोगों को देख रही है। और तभी गुल्ली को ऐसा लगता है जैसे उसके पैर के पास से कोई चीज़ गुजरी है। गुल्ली कहता है क्या हुआ? गुल्ली कहता है पानी के अंदर कोई बड़ी सी चीज़ है जो मेरे पैर को छूते हुए निकली है। शॉन कहता है कि कहीं शार्क मछली तो नहीं है जो इंसानों को खा जाती है? और तभी गुल्ली को कोई पानी के अंदर खींच ले जाता है। गुल्ली फौरन अपने दोस्त बुल्ली को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक बुल्ली काफ़ी दूर जा चुका होता है और कुछ देर बाद वो गायब हो जाता है। गुल्ली बिना डरे उसे ढूंढता रहता है और तभी अचानक से बुल्ली पानी से बाहर आता है और वापस उल्टा भागता है। गुल्ली पूछता है क्या तुमने उसे देखा कि वो क्या चीज़ है? बुल्ली कहता है नहीं, मैं उसे नहीं देख पाया, वो शायद कोई बड़ी मछली है। तभी शॉन चिल्लाते हुए कहता है जल्दी भागो गुल्ली बुल्ली, तुम्हारे पीछे कोई जानवर है। गुल्ली बुल्ली यह सुनकर तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और वो जानवर भी इनकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ता है। गुल्ली और बुल्ली जिसे एक बड़ी मछली समझ रहे थे, वो एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है। ये मगरमच्छ इतना बड़ा है कि गुल्ली और बुल्ली को एक साथ खा सकता है। इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन एक और बड़ी मुसीबत गुल्ली और बुल्ली की तरफ आ रही है, वो है ग्रैनी। ग्रैनी गुल्ली और बुल्ली को मारना चाहती है। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुम ग्रैनी को यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करो, मैं शॉन को बचाता हूँ। बुल्ली कहता है ठीक है, तुम जाकर शॉन को पानी से बाहर निकालो, मैं ग्रैनी को देखता हूँ। उसके बाद गुल्ली शॉन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और गुल्ली ग्रैनी के पास आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही ग्रैनी पास आती है बुल्ली दौड़ लगा देता है। बुल्ली का ये आइडिया काम कर जाता है। बुल्ली को भागता देख कर ग्रैनी भी उसके पीछे भागती है। बुल्ली भागते हुए पहाड़ पर चढ़ जाता है। ग्रैनी भी बुल्ली को देखकर पहाड़ पर चढ़ जाती है और इस तरह बुल्ली ग्रैनी को यहाँ से दूर ले जाता है। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन गुल्ली से मदद मांगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। गुल्ली सबसे पहले मगरमच्छ को शॉन से दूर ले जाने की कोशिश करता है, वो इसलिए क्योंकि गुल्ली नहीं चाहता कि मगरमच्छ उसके दोस्त को कोई नुकसान पहुँचाए, क्योंकि मगरमच्छ शॉन के बहुत ही करीब खड़ा हुआ है, अगर वो पलटा तो शॉन को खा जाएगा। गुल्ली मगरमच्छ को शॉन से काफ़ी दूर ले जाता है। अब गुल्ली को इस पार से उस पार जाना होगा, तभी वो शॉन को बचा पाएगा, लेकिन पहले उसे मगरमच्छ से पीछा छुड़ाना होगा। गुल्ली जैसे ही रास्ता पार करने की कोशिश करता है, मगरमच्छ उछल कर गुल्ली पर हमला कर देता है।
मरते मरते बचा है गुल्ली। जरा सी चूक हो जाती तो मगरमच्छ गुल्ली को खा जाता, लेकिन गुल्ली को अपनी जान की परवाह नहीं है, उसे तो बस अपने दोस्त शॉन को बचाना है। गुल्ली दौड़ते हुए शॉन के पास जाता है और उसे समझाता है कि बैठकर हाथ चलाओ, तुम तैरते हुए किनारे तक आ जाओगे। लेकिन शॉन के कुछ भी समझ में नहीं आता तो गुल्ली पानी में वापस जाता है और शॉन को किनारे तक लेकर आता है और इस तरह से शॉन की जान बच जाती है। किनारे पहुंचते ही शॉन गुल्ली से कहता है कि चलो पहले स्कूटर बाहर निकालते हैं फिर गुल्ली के पास चलते हैं। ये कहकर गुल्ली और शॉन दोनों स्कूटर की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्कूटर को पानी से बाहर निकालते हैं और उसके बाद गुल्ली पानी से बाहर आ जाता है और अपना पॉटी बॉय शॉन स्कूटर खड़ा करता है। गुल्ली शॉन से कहता है कि स्कूटर को स्टैंड पे खड़ा कर दो, कुछ देर आराम कर लो। लेकिन शॉन कहता है कि हमें गुल्ली के पास भी तो जाना है, वो ग्रैनी के साथ पहाड़ के पीछे गया था, पता नहीं वो किस हाल में होगा। गुल्ली कहता है कि हाँ चलो ठीक है, हम बाद में आराम कर लेंगे, तुम स्कूटर चलाओ मैं पीछे बैठता हूँ। लेकिन तभी गुल्ली की नज़र सामने किसी चीज़ पर पड़ती है। शॉन कहता है क्या हुआ, नहीं चलना क्या तुम्हें? गुल्ली कहता है कि सामने देखो ज़रा। शॉन जब सामने देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। शॉन गुल्ली से कहता है कि ये कौन है, क्या तुम इसे जानते हो? गुल्ली कहता है हाँ ये एक शैतान है, इसका नाम है सिलेंडर मैन। शॉन कहता है ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, सिलेंडर मैन ग्रैनी का रिश्तेदार है और शायद ग्रैनी ने ही इसे यहाँ भेजा है। सिलेंडर मैन पहले तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा देता है। गुल्ली और शॉन ये देख कर अपनी स्कूटर छोड़ कर भागते हैं और भागकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो झाँक कर देखते हैं तो उन्हें सिलेंडर मैन कहीं दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि वो वापस चला गया है। गुल्ली और शॉन बाहर आते हैं और देखते हैं कि सिलेंडर मैन दूर दूर तक कहीं नहीं है। शॉन कहता है कहीं ये उसकी कोई चाल तो नहीं है? गुल्ली कहता है हो सकता है कि सिलेंडर मैन चला गया हो, हमें भी स्कूटर लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहकर दोनों स्कूटर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वो स्कूटर के करीब पहुंचने वाले होते हैं अचानक से सिलेंडर मैन सामने आ जाता है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, सिलेंडर मैन दोनों को ध्यान से देखता है और फिर वो अचानक से हाथ बढ़ाकर गुल्ली को पकड़ लेता है। शॉन ये देखकर डर जाता है और भागकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। गुल्ली और शॉन इतने बड़े आदमी से लड़ नहीं सकते और देखते ही देखते सिलेंडर मैन गुल्ली को उठाकर फेंक देता है। उसके बाद सिलेंडर मैन शॉन की तरफ देखता है, शॉन डर के मारे पीछे हटने लगता है और फिर वो पानी में पड़े हुए बॉक्स पर जाकर खड़ा हो जाता है। शॉन को ऐसा लगता है कि जिस तरह ग्रैनी पानी में नहीं आई थी उसी तरह से सिलेंडर मैन भी पानी में नहीं आएगा। लेकिन सिलेंडर मैन शॉन के करीब आते आते गायब हो गया और शॉन सिलेंडर मैन को इधर उधर ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया और कुछ देर बाद वो शॉन को भी उसी तरह पकड़ लेता है जैसे उसने गुल्ली को पकड़ा था और फिर वो उसको लेकर कहीं जाने लगता है। लेकिन ये शॉन को उठाकर कहाँ ले जा रहा है? सिलेंडर मैन चलते चलते गुल्ली के पास पहुंचता है और गुल्ली को भी उठा लेता है। फिर वो दोनों को पकड़ के वापस आने लगता है। लगता है सिलेंडर मैन इन दोनों के साथ कुछ बुरा करने वाला है। अरे ये क्या किया सिलेंडर मैन ने, गुल्ली और शॉन दोनों को लकड़ी के बॉक्स में घुसा दिया। तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली और शॉन का? क्या गुल्ली और शॉन इस बॉक्स से बाहर निकल पाएंगे? क्या इन दोनों को कोई बचाने आएगा या फिर सिलेंडर मैन इन दोनों को मौत के घाट उतार देगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 5 में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।